नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है और आईपी एड्रेस कैसे अलॉट होता है। ये दो संदर्भ बात करेंगे। कल हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। डिस्कशन में हम लैन केबल के बारे में बात कर रहे थे। तो लैन केबल बेसिकली तीन तरह का होता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसमें एक केबल जो होता है उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन केबल बोलते हैं, दूसरा क्रॉस ओवर लाइन केबल होता है, और तीसरा हमारा कंसोल केबल होता है। कंसोल केबल का अलग अलग नाम भी हमने रखा हुआ है, कंसोल केबल, बीजीए केबल या आपका रोल ओवर केबल। ये तीनों एक ही केबल है, नाम अलग अलग हैं। सिर्फ कनेक्टर के नाम अलग अलग होने से, सत्यम आपकी क्लास आज 2:30 बजे करी है, एक बार मैसेज आप देख लीजिए सत्यम। यस सर। हाँ, मैंने आपकी क्लास ढाई, आपके बैच में कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, तो क्लास हमने उस हिसाब से चेंज कर दिया। वगैरह सर दोपहर के बाद रखे, एग्जाम है उनको का, ठीक है ना? ठीक तो है, सर टाइम शेड्यूल सेट नहीं बैठा आपका ही कभी रखेगा, भी। आपका ही रखेंगे। मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आगे से मैं चेंज नहीं करूँगा, तो वो फिर एक्सेप्ट कर लिए। 9 लोग थे उसमें से, तो 9 लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, ठीक है ना? तो आपका जो टाइम रहेगा आपके बैच का 2:30 बजे ही रहेगा, ठीक है? तो आप प्लीज, ओके सर। हाँ, क्योंकि उसमें 9 लोगों का परीक्षा है, कुछ वाइवा वाइवा है, बंगाल कॉलेज के ज़्यादा हैं और उधर आसाम वाले हैं और कुछ। आपको आपका कॉलेज कौन सा है? सर सी वी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। ओके ओके, आपका तो कोई परीक्षा नहीं है ना, आप तो प्रेजेंट थे यहाँ पे। उनका नो एग्जाम सर। था ना, एग्जाम देखो, एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, टाइम को मैंने इसी वजह से ऊपर किया, इसलिए सारे बैच का टाइम मैंने चेंज किया और अभी मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया है, ठीक है ना? तो आप लोग उसको, आप 2:30 बजे डेली, आपका बैच 2:30 बजे रखूंगा। अगर पूरा बैच फिर अगर कहता है चेंज करने के लिए, देन विल बी डिसाइडेड। ओके, तो अब दिस वीक का 2:30 टाइम रहेगा, 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में, आधा घंटा आगे पीछे मार्जिन रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन टाइम आपका वही रहेगा, ओके ठीक सर। ओके है ना? सर। ओके। ठीक। ओके, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, कल हम लोग तीन केबल के बारे में बात कर रहे थे, जो रोल ओवर केबल है, कंसोल केबल है और आपका जो बीजीए केबल है। उसमें क्या डिफरेंस है? जो रोल ओवर केबल और कंसोल केबल, तीनों केबल एक है, सिर्फ उसका जो कनेक्टर्स है वो अलग तरह से बना दिया जाता है। देखिए, आम लोग, हम जैसे सिंपल लोग जब मार्केट में खरीदने जाएं, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे बीजीए केबल है, जैसे कि आप लोग कल बता रहे थे कि कंप्यूटर से आपके आपके जो मॉनिटर है सीपीयू से, वो जोड़ने में काम आता है। इसी तरह कंसोल केबल होता है, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं घर में, आप अगर एसी खरीद के लगा रहे हैं या फिर टेलीविजन लगा रहे, या कोई भी जो हमारा राउटर है, स्विच है, अगर इन्हें कॉन्फ़िगर करना है, ये जो हमारा राउटर है ये भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, अगर इन्हें कॉन्फ़िगर करना है, दो चीज़ें हैं, तो फिर मुझे इसमें आपका जो कंप्यूटर्स होगा आपका, इसमें जो कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे जो हम कंसोल केबल के माध्यम से जोड़ेंगे, तो उस केस में जो मेरा कंप्यूटर है वो इस राउटर का कीबोर्ड और मॉनिटर के रूप में काम करेगा। क्योंकि एक नॉर्मल जब राउटर आप खरीदने जाते हो, उसमें ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो उसको अगर मुझे ऑपरेट करना है, चूँकि भी कंप्यूटर है लेकिन कीबोर्ड माउस नहीं होता है, तो हम अपना जो पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, कंसोल केबल से अगर हम इसको जोड़ दें, तो उस केस में हमारा जो आपका हमारा जो हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है, उस कीबोर्ड माउस का एक तरह का मॉनिटर कीबोर्ड कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो नाउ द उसको भी हम अभी यहाँ बात करेंगे। दूसरा जो होता है हमारा रोल, आपका जो ये क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर केबल कब होता है? जब जैसे ये डिवाइस राउटर टू राउटर है, अगर सेम डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें क्रॉस ओवर का यूज करना पड़ता है। तो दो अलग केबल जो बच गए हमारे पास में, क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट केबल, ये दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। तो अगर डिवाइसेस सेम हैं, अगर उन्हें आपस में जोड़ के हम कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन या पैकेट दूसरे साइड में भेजना चाहते हैं, ठीक है, दूसरे साइड से वापस लाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा यहाँ जो वायर होगा वो क्रॉस ओवर केबल होगा। अगर डिवाइसें डिफरेंट हैं जैसे राउटर स्विच, तो हमारा जो केबल होगा वो स्ट्रेट केबल होगा। तो आज हम इसी काम करने वाले हैं, आप लोग भी हमारे साथ करिए। सबसे पहले डिवाइस हमने सेलेक्ट किया, हम नीचे की तरफ आएंगे। अगर मुझे इस राउटर से इस राउटर को आपस में कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए अगर हम जोड़ना चाहते हैं, तो क्रॉसओवर केबल लेंगे, क्लिक कीजिए केबल, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो हमारा इस राउटर के ऊपर जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो हमारे पास में 4 पोर्ट हैं। ये जो मैंने 2811 राउटर लिया है, इसमें 4 पोर्ट हैं, एक ऑक्सिलरी पोर्ट है, एक कंसोल पोर्ट है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है 2, ठीक है?
तो इंटरनेट के लिए तीन लोकेशन होता है, चाहे कोई नॉर्मल कंप्यूटर हो या किसी भी तरह का इस तरह का जो डिवाइसेज हो, उसमें सिर्फ आपको तीन ही ऑप्शन मिलेंगे जब हम अपने डिवाइस को कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मोबाइल से इंटरनेट करना है तो आप वाईफाई या ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप अपने आप में कम्प्लीट डिवाइस माना गया है, तो लैपटॉप के अंदर आप मिनी पैकेज होता है, तो इसके अंदर आप ब्लूटूथ के माध्यम से भी आप इंटरनेट जोड़ सकते हो, वाईफाई के माध्यम से भी इंटरनेट जोड़ सकते हो। तीसरा जो होता है फास्ट इथरनेट जो पोर्ट है उसके माध्यम से भी आप लोग इंटरनेट जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में ये जो पोर्ट है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट कंसोल पोर्ट तो अलग हो गया, इंटरनेट करने के लिए हमारे पास में दो फास्ट इथरनेट पोर्ट है। आप इनमें से किसी भी पोर्ट में आप लगा सकते हो केबल। मैंने यहाँ पे केबल लगाया, दूसरे साइड में जाएं, मैंने इधर लगाया 0/0 पे, दूसरे साइड में मैंने लगभग सेम राउटर लिया है तो डेफिनेटली सेम टाइप का पोर्ट आएगा। आप चाहें तो 0/1 में भी लगा सकते हैं और 0/0 में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि मान लीजिए आपको JPIT नोएडा का आप नेटवर्क मैनेजर हैं, नेटवर्क इंचार्ज हैं, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि भाई मेरे यहाँ जो पोर्ट है दूसरे साइड में भी उसी पोर्ट को लगाया जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप JP जो कॉलेज है वो कहीं और है और करीब 10 किलोमीटर दूर या 12 किलोमीटर दूर जो ISP वाला ऑफिस है, तो दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा, तो आप जाके कूद के एकदम से नहीं देख सकते, या फिर आपको फ़ोन करना पड़ेगा या बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बाई डिफ़ॉल्ट सोच कि अगर मैंने इधर 0/0 लगाया है तो दूसरे साइड भी हम 0/0 ही लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 0/1 पे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, काम उस पे भी करेगा, लेकिन क्योंकि राउटर का जो पोर्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट माना गया है, क्योंकि आपको एक मैंने अभी सर्वर विजिट का वीडियो दिखाया था तो उसका एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले ही बता दूंगा, तो ठीक है ना। तो एक पोर्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पोर्ट में लगाओगे उस एरिया के लाइन का वो एक तरह से ID के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से दूसरा स्ट्रेट केबल लेता हूँ, इस राउटर से ऑलरेडी एक पोर्ट यूज कर चुके, बाय डिफॉल्ट दूसरा पोर्ट बचा, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको 0/1 में लगा देते हैं। अब इस स्विच से दूसरा स्विच जोड़ना है फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, दोनों सेम डिवाइस हो गए, अगेन यहाँ क्रॉस ओवर केबल यूज किया जाएगा, 0/2 में इधर लगा देता हूँ, इधर भी आप चाहें तो 0/1 भी खाली लगा सकते हैं, लेकिन मैं 0/2 लगाऊंगा ताकि काम प्रॉपर लगे। फिर मैं यहाँ पे केबल स्ट्रेट केबल लूंगा और वाईफाई आपको 0/1 कहीं भी स्विच के किसी भी पोर्ट में आप लगा सकते हो। तो आपके कैंपस में जो वाईफाई लगा होता है इस लाइन केबल के माध्यम से कहीं ना कहीं वो स्विच में जरूर कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। ये आप आगे से अगर हॉस्टल में हैं या विजिट करेंगे तो आप डेफिनेटली कि जहाँ वाईफाई से आप भले ये वाला जो यूजर है, क्लाइंट है जिसे आप कहते हो आज की भाषा में, नए भाषा में, ये जो यूजर हैं अगर वाईफाई से जुड़ेंगे इसका मतलब नहीं कि वायरलेस हो गया कम्प्लीटली, वायरलेस मतलब यहाँ से लोकल लेवल पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, इनकेस अगर बंद हो जाए तो घबराना नहीं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी देर होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी राउटर इस स्विच से कंप्यूटर जोड़ना है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और फास्ट इथरनेट, कंप्यूटर में दो पोर्ट है तो ये वाला पोर्ट बेसिकली जो हम क्या बोलते हैं आपका, ये जैसे मॉनिटर से जोड़ना है या प्रोजेक्टर जोड़ना है या कम्युनिकेशन पोर्ट जोड़ना, तो उसको RS-232 बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए फास्ट इथरनेट 0/0 बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कौन सा होगा, लैपटॉप के अंदर लैपटॉप फास्ट इथरनेट या लैन पोर्ट, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं, तो मैं लैन पोर्ट लिख देता हूँ, डायग्राम में दिखाते हैं आपको। ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आप देख पाएंगे दिस इज अ लैन पोर्ट, ये वाला पोर्शन जो है लैन पोर्ट है, यहाँ पे आप देखिए ये दिस इज अ लैन पोर्ट, ये वाला जो पोर्ट है इसमें दो पोर्ट है, तो दिस में भी RS-232, दिस में भी VGO पोर्ट हो सकता है, और समय बदल रहा है, अब यहाँ पे सारे जो पोर्ट हैं USB पोर्ट में चले गए, अब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो USB पोर्ट आने की वजह से आपको अभी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। तो अभी आप सिंपली जो यू आर लकी कि अभी चीज़ें कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप आसानी से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग,
तो मैंने इसको यहाँ पे लैपटॉप का फास्ट इथरनेट पोर्ट में जोड़ दिया। फिर मैं केबल लेता हूँ, स्टेट केबल और स्विच के, स्विच के किसी भी पोर्ट में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी डिस्कस। आप चाहें तो एक कंप्यूटर और ले लें यहाँ से, या लैपटॉप ले लेते हैं, हम लगा देते हैं और यहाँ पे क्लिक किया और दूसरे वाले स्विच से भी जोड़ सकते हैं। तो कैंपस के अंदर जो इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी तरह से होता है, एक स्विच, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, बहुत सारे चीज़ ऐसे ही होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि एक काम करते हैं, कंप्यूटर और ले लेते हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो, एक को यहाँ रख देते हैं और एक लैपटॉप ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दो केबल तो आप आसानी से देख पा रहे हो, ये स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल हो गया और स्ट्रेट केबल हो गया, और वाईफाई से कैसे जुड़ते हैं वो आपने कैंपस में देख लिया, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जब मुझे इस राउटर से कंप्यूटर जोड़ना हो फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, ताकि आपका कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर मुझे इंटरनेट के लिए मुझे इस राउटर से इसको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ना है तो मुझे इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट में केबल लगाना पड़ेगा। और उस केस में हमारा जो केबल है, दो तरह का केबल है, क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट केबल। तो प्लीज़ यह चैट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि इसमें जो आप लगाएंगे वो क्रॉस ओवर केबल होगा या स्ट्रेट केबल होगा राउटर से कंप्यूटर के बीच में, प्लीज़। अर्पित आप बोल के बता दीजिए, अगर मेरी बात समझ में आती है तो यू कैन लाइट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रॉस ओवर केबल होगा, क्योंकि जो हमारा जो राउटर है वो भी एक कंप्यूटर है, तो दोनों डिवाइसेस सेम हो गई और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्रॉस ओवर केबल लेंगे और यहाँ पे 01 की फास्ट इथरनेट डॉट। अगर ये जो लैपटॉप है, क्योंकि इसका इसमें राउटर का कोई कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, तो उस केस में अगर इस लैपटॉप को मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पर्पज़ के लिए, लॉग इन पर्पज़ के लिए यूज करूँगा, तो फिर इस लैपटॉप को कैसे जोड़ेंगे, कंसोल केबल से जोड़ेंगे। मैं यहाँ काम करता हूँ, ये सेकेंड नंबर का केबल है, कंसोल केबल उठाया, लैपटॉप में गए, अब इसके इंटरनेट वाले पोर्ट पे नहीं, RS232 काम पोर्ट होता है, इसके अंदर लगाएंगे और इसके कंसोल पे उस पर लगाएंगे। अब एक पोर्ट और इसमें आपको दिख रहा है, ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि देखिए, हमने पहले ही बताया कि राउटर बहुत ही महंगा डिवाइस होता है, कल को राउटर खराब, सर आपकी आवाज़ चली गई थी, सॉरी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे राउटर को कन्फिगर करना है, अभी आवाज़ आ गई, हाँ सर अब आ रही है। अगर मुझे इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे एक लैपटॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस राउटर में ना तो कीबोर्ड होता है ना माउस होता है, और इस तरह कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप डायरेक्टली राउटर को टच किया, और हो सकता है कि आने वाले ज़माने में, अभी जो नए राउटर आने लगे हों उसमें टच स्क्रीन मॉनिटर या उसके इनबिल्ट ही कंप्यूटर लगा दे। एक वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगा जिसमें राउटर के साथ ही कंप्यूटर लगा हुआ आ गया, वो अलग मैटर है, अभी वो शुरू है, लेकिन अभी तक जब से 2005 से जब से स्टार्टिंग हुई है और करीब 16 साल होने को आ गए, तो जितने भी राउटर लगे हुए हैं बेसिकली सब में आपको लैपटॉप के माध्यम से या डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आपको राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उस केस में अगर आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है और नया राउटर कॉन्फ़िगर करना है, डेफिनेटली आपको कंसोल केबल की मदद लेनी ही पड़ेगी। और कंसोल केबल क्या करेंगे, कंप्यूटर के या लैपटॉप के RS232 यानी कॉम पोर्ट के अंदर जोड़ना होता है और इसके कंसोल पोर्ट में जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। दूसरी, ये तो हमारे लिए हो गया, लेकिन कल को खराब हो जाए राउटर में, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि महंगी चीज़ है, जैसे आप घर में एसी खरीदते हैं प्रॉब्लम हो जाती है, ये नहीं कि एसी उठा के फेंक देते हैं, आप सर्विस सेंटर में फ़ोन करते हैं, वो लोग आते हैं और उसको चेक करते हैं। तो ऐसे कल को राउटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह के स्मार्ट डिवाइस में प्रॉब्लम हो जाए, तो सर्विस सेंटर वाले आएंगे उस हार्डवेयर को चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो उस केस में वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर को ऑक्सिलरी पोर्ट के माध्यम से चीज़ों को सही करते हैं। तो ऑक्सिलरी फैक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडमिन पोर्ट भी कहते हैं, और इसका प्रयोग मैन्युफैक्चरर के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। तो ये सारे पोर्ट्स हैं, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आप सीधा सीधा कह सकता हूँ कि लैपटॉप और ये जो राउटर्स हैं वो एक ही है यहाँ पे इस कंडीशन में। अब यहाँ पे अब हमारा जो आपका इस समय हमने नेटवर्क को डिजाइन कर लिया है, केबल हमने लगा दिया है, ठीक है। अब मेरा सवाल है आप सभी से कि इसमें कुल कितने नेटवर्क हैं, कितने लैन हैं। सिंपल सी बात, समय लैन क्या है, लैन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि राउटर का एक पोर्ट लैन कहलाता है, अगर आपको याद आए तो हमेशा उसको याद रखिए। तो उस हिसाब से आप बताएंगे यहाँ पे कुल कितने लैन हैं, नंबर ऑफ लैन,
यस चैट के माध्यम से बताइए, कोई इशू नहीं। यस अर्पिता ने चार लाइन बताए, बाकी लोग कंसोल भी एक पोर्ट होगा ना? कौन सा वाला कंसोल? हाँ अच्छा नहीं होगा। जब कंसोल का जो हमने केबल लगा दिया वो मैंने क्या बोला उस समय, ये जो लैपटॉप है दिस इज द पार्ट ऑफ दिस राउटर, दिस इज नॉट सेपरेट पार्ट, ठीक है ना? तो ये जैसे आप कंसोल लगाओगे तो क्योंकि इसका कीबोर्ड मॉनिटर नहीं होता तो ये पूरी का पूरा इसके लिए एक पार्ट हो गया। ओके सर ठीक है। आयुष आपने पांच बता दिए। यस सर। पांच कैसे बताए सर? मतलब पहला वाला अगर हम देखें राउटर तो वहां पर 00 और 01 थे, यहां पे दो पोर्ट आ गए, वन हो गया, ठीक है, एक ये पहला लाइन हो गया, ठीक है पहला लाइन हो गया। उसके नीचे सर जो स्विच है वहां पर फिर नहीं होता, स्विच से नहीं होता। मैंने आपको पहले लाइन इज डेफिनेशन ओनली, आप हजार स्विच लगाओ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे कैंपस में जैसे एलटीटीसी में 247 के आसपास स्विच लगा रखा है तो इतने लाइन थोड़ी ना हो जाएंगे। लाइन ओनली वन, राउटर इज एक ही लगा हुआ है, एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरे तीसरा चौथा पांचवा, कुल मिला के आपस में खूब बांट दो कोई दिक्कत नहीं, एक स्विच से चार स्विच भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्विच में भी नंबर ऑफ पोर्ट लिमिटेड होते हैं, उतना ही कंप्यूटर जोड़ सकते हो उतना ही वाईफाई जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो एलटीसी में कई जगह 24 पोर्ट का स्विच लगा है, कई जगह 48 पोर्ट का स्विच लगा है, ठीक है ना? तो हमारे यहाँ अगर हजार लोग आ रहे हैं, हजार लोग इंटरनेट करा रहे हैं तो वो स्विच से ही सारे जुड़ेंगे, बाया वाईफाई से जुड़ जाए चाहे, लेकिन स्विच से अल्टीमेटली जुड़ेंगे तो वो सारे, दिस इज द नॉट, ये अंडर जो बोले एक लाइन के अंदर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्विच यूज किया जाता है, सीधी सी बात है। लोकल लाइन स्विच का प्रयोग हम लोग लाइन बनाने के लिए नहीं करते हैं, वो बाद में और भी क्लियर करेंगे। तो अभी अर्पिता ने तीन लिखा है और कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट ये राउटर का एक पोर्ट पूरा कैंपस, ये आपका यहाँ तक समझ लीजिए जितना फैले वहाँ तक एक कैंपस कहलाएगा, दिस इज द लाइन वन, ठीक है ना? और ये तो हमने प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताई, अगर आपको बुक्स में या एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिखना है तो आप ये कहेंगे दिस इज द नेटवर्क वन, ठीक है ना? ये आपके प्रोफेशनल तरीके से, इसी तरह से ये दूसरा जो है ये अलग एक नेटवर्क हो गया, दिस इज द नेटवर्क टू या लैन टू कह सकते हो। और ये आपका जो फास्ट, ये जो फास्ट इंटरनेट, ये अगर ये डायरेक्ट जुड़ा ना होता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो एक तीसरा नेटवर्क कहलाएगा, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो जाता ये किसी और एरिया में चला जाता, एक अलग लाइन कहलाता फिर एक अलग लाइन कहलाता, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो एक लाइन और हो गया। तो देयर आर थ्री नेटवर्क इन दिस नेटवर्क आईडी, यहाँ पे तीन तरह का नेटवर्क है, इनको तीन नेटवर्क आईडी बनेंगी सीधा सीधा, ठीक है ना? तो मैं इसको जरा क्लीन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार अब यहाँ पे जो भी नेटवर्क है यहाँ पे आप ये जो हमारा पैकेट ट्रेसर, आप यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ चीजें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ, लिख भी रहा हूँ, नेटवर्क आईडी, कोई भी नेटवर्क कैंपस की पहचान उसके पहले आईपी एड्रेस यानी नेटवर्क आईडी से होगी। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ 10.10.10.0/24 ले लेता हूँ, ठीक है ना? इसको नेटवर्क वन आईडी लिख देता, नेटवर्क वन, ठीक है, नेटवर्क वन की हमने आईडी लिख दी, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा नेटवर्क है नेटवर्क टू, ठीक है ना, और इसकी आईडी लिख देते हैं 10.10.20.0। यहाँ चूंकि सिमुलेटर है आप कोई भी आईडी लो, हम लोग लर्निंग पर्पज के लिए ले रहे हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं है, बस ये कि तीनों आईडी डिफरेंट होंगी, एक आईडी एक एरिया में यूज होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आप आएंगे, दिस इज द नेटवर्क थ्री ले लीजिए, इसकी मैं कुछ और लिख लेता हूँ 117.16.16.0/30 कर लेते हैं, ये भी हम बात करेंगे हमने /30 क्यों किया, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास तीन नेटवर्क हुआ जो हमने प्लानिंग किया, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जब बाय इन ब्रॉड मैनर में आप कह सकते हो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा ये आपका एक साथ दोनों जुड़े हैं उसके बावजूद भी एक नेटवर्क कहलाएंगे, अगर ब्रेक होता तो फिर दोनों अलग अलग, राउटर का पोर्ट अलग अलग होते ही अलग अलग नेटवर्क कहलाने लगते, ठीक है, तीसरा नेटवर्क। ओके अब हमारे पास तीन नेटवर्क हो गए, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आईपी रेंज पहले नेटवर्क की क्या होगी, एक की मैं लिख देता हूँ बाकी अपने आप समझ जाएंगे, 10.10.10.1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 254 तक। तो इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस कैंपस के अंदर
दो 254 लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट के लिए एट ए टाइम मैक्सिमम जोड़ सकते हो। अगर उससे ज़्यादा यूजर हैं तो मुझे और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। और अभी हमारे जब पाँच छः इस तरह का सेशन, पाँच या छठे नंबर का सेशन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साथ, जैसे मैंने कहा, मैंने LTTC में 247 स्विच कैसे जोड़े, जबकि IP एड्रेस की संख्या लिमिट है, उसके बावजूद भी हम इतना कैसे जोड़ पा रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है, हम बात करेंगे। उसको हम लोग VLAN बोलते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वो हम बात करेंगे आपका जब 3-4 सेशन ओवर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली सावधानी पूर्वक करिए। तो अभी हम जो है बाय डिफॉल्ट हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगाते, तो सीधा सीधा सबसे इजी मैनर में अगर सिंपली कितने लैपटॉप कंप्यूटर इस कैंपस में जोड़े जा सकते हो, जो यहाँ पे मैंने /24 है उसके अकॉर्डिंगली हमने जो भी IP अवेलेबल है उसमें जो राउटर का ये पोर्ट है उसकी IP 1 हमने कर दी, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये जो दूसरा राउटर है इसमें भी सेम 254 होगा, इसमें /30 है, इसमें 2 IP आएंगे, 2 की पावर 2 -2 यानी 2 IP होंगे, यानी 1 IP हम इधर देंगे और 1 IP इधर देंगे। क्यों हमने /30 यहाँ क्यों रखा, आप 24 रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे /24, क्योंकि हमें तो केवल 2 IP की जरूरत है, बीच में कोई एंट्री तो होनी नहीं है। तो अगर बाकी अगर मैं /24 वाला IP खरीद के यहाँ पे लगा देता तो मेरे पास में कुल 2 यूज होता और 252 IP फ्री होता, तो कोई बाहर का हैकर उस IP, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में घुसने के लिए जाने के लिए नेटवर्क ID की एक IP एड्रेस की जरूरत तो पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर फिल्में देखते होंगे और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अगर किसी अनऑथोराइज तरीके से किसी जगह आप एंट्री करते हो तो पहले उस बंदे के जैसा ID कार्ड या कोई ना कोई पहचान चुरानी पड़ती है, ठीक है ना। तो जब IP खाली नहीं होगा तो फिर आप चोरी नहीं कर पाओगे। अगर /24 कर दिया तो बहुत सारे खाली हैं, उसको पता चल जाएगा और आसानी से वो एंट्री कर सकता है आपके नेटवर्क में, ठीक है। और ये हाल में ही एक एंट्री बहुत सारे अपने पिछले 2-3 साल से आप सुन रहे होंगे, रैनसमवेयर जो आपका एक अटैक हुआ था उसमें IP कोई पकड़ के सारे घुस गए थे, नेटवर्क के अंदर ही घुस गए थे, क्योंकि बहुत सारे IP घर में तो मुश्किल से 4 या 5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ यूज करते हैं, बाकी सारे IP खाली होते हैं। तो वहाँ पे भी ये अब ये दूसरा यूजर नेम पासवर्ड का भी वहाँ पे प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो समय के साथ हम लोग दूर कर रहे हैं कि इसको सिक्योर हैक चोरी करना, हैकिंग करना, आप करना बहुत आसान है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है नेटवर्क को कितना ज़्यादा सुरक्षित कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। चोरी करना सभी को आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे जब आपको पूरा नेटवर्क मालूम हो जाएगा ना मेरा नेटवर्क कैसा है, तो चोरी भी आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, अगर बताया तो भी बात नहीं, मैं रिवाइज कर सकता हूँ। एक हमने आपको दिखाया था टेलीफोन एक्सचेंज में, तो टेलीफोन एक्सचेंज में हम लोग एक स्विच रूम होता था, एक काम करके खोल के दिखाते हैं थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये नेटवर्क आपको अच्छी तरह से याद होगा, भाई आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द जस्ट जनरल टोपोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क, ट्रेडिशनल और नया हो बाय डिफॉल्ट बीच में तो स्विच रूम तो आएगा ही, जो स्विच का काम है दो आपस में एक दूसरे को जोड़ने वाला काम है, ठीक है, तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यू आर लकी, आप बहुत ही इस समय कह सकते हो अपने आप को लकी है कि अगर जैसे कोरोना काल आया तो इस समय बहुत सारे पीपल ज़्यादा बोर इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं अवेलेबल थी, लेकिन ये पहले नहीं था। जब हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन किया उस समय इंटरनेट तो कुछ था ही नहीं, हमने ही लगभग पहली बार हम लोग भी जब इंटरनेट शुरू हुआ तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ, तो आप समझ सकते हो कि मेरे पहले इंटरनेट नथिंग, दैट इज नहीं के बराबर था, या उस कह सकते हो नहीं था, सीधी सी बात है प्रैक्टिकल यूज के लिए। तो हम लोग उस समय जब हमारी नौकरी लगी हम 5 लोग थे, तो हम लोग क्या करते थे, स्विच रूम का मैं इंचार्ज था, ये स्विच रूम बड़ौत में पोस्टिंग हो गई आफ्टर फील्ड ट्रेनिंग, तो मैं यहाँ पे स्विच रूम में, यहाँ पे AC रूम होता था। गर्मी के समय में हम लोग क्या करते थे, जब शादी नहीं हुई है, कोई काम धाम नहीं हो, तो हम लोग स्विच रूम में ही जाके, क्योंकि सिनेमा हॉल पहले उस बहुत ज़्यादा भूमि बहुत ऐसा जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा सिनेमा हॉल नहीं होते थे उस टाइम पे, 2-3 सिनेमा हॉल होते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि स्विच रूम में अपना एक, क्योंकि यहाँ किसी को अलाउ नहीं होता था, तो यहाँ चादर लगाते थे, आराम से सो जाते थे रात को, ठीक है ना। लेकिन बोर होने लगे भाई, आपकी भी अगर अभी नौकरी लग जाए और आपके पास कोई जिम्मेदारी भी ना हो तो खूब इंजॉय करोगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे हम वहाँ पे सोते थे तो समझ में नहीं आता था कि कैसे टाइम पास करें, ना तो मूवी देख पाते हैं और ना ही, दिल्ली भी दूर पड़ता था, 60-70 किलोमीटर दूर है वहाँ से, रोज तो नहीं जा सकते।
तो हम लोग वहाँ पढ़ते रात को जब सोते थे, तो एक दिन मेरा जब हफ्ते भर निकल गया ना, तो मेरे दिमाग में एक बात याद आई कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये इस टेलीफोन से इस टेलीफोन के बीच में, तो ये लोग का जो कम्युनिकेशन है यहीं से होके जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहीं पे स्पीकर लगा दिया, पूरी रात हम उनकी बात सुनते रहते। तो मुझे पता चल गया था पिछले 2.5 साल में जो वहाँ पे हम लोग गए, कौन कब क्या बात करता है, कैसे, सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती थी डायरेक्ट वीली। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो आपका हैकर है ना, जो खाली जगह है वो इसको एंट्री करने का ऑप्शन मिल जाता, तो हम उसको एंट्री करने का ऑप्शन ही नहीं देना चाहते, सीधी सी बात है। ओके, तो हमारे पास अब तीन, अब ये जो आईपी एड्रेस है कैसे अलॉट करें, इसमें दो चीज़ें मुझे बतानी है। एक काम करते हैं, पहले मैं पोर्ट के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ। यहाँ तक कोई कनेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल आई थिंक सभी कनेक्ट कर रहे होंगे। देखिए ये सारे ग्रीन ऑरेंज के बाद ग्रीन हो जाने चाहिए, रेड आपका केवल ये पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन होगा, उसका मतलब हम बताएंगे रेड क्यों है, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी ग्रीन आनी चाहिए। और अगर आपको ये FA0 जैसे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, FA0/1, अगर किसी का नहीं आ रहा तो एक बार फिर ऑप्शन बटन पे जाएंगे, प्रीफ्रेंस पे क्लिक करेंगे और ऑलवेज सूप लेवल को चेक मार्क कर देंगे। अगर इसके करने के बाद भी अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपने केबल गलत जगह लगाया, और आपने अगर केबल गलत जगह लगा दिया है तो इस क्रॉस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस या नो पूछे तो पहले नो कर दीजिए, और जिस चीज़ को डिलीट करना हो वहाँ पे क्लिक करेंगे उस चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, इसको जिसको डिलीट करना चाहिए आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बैक ले लेता हूँ, यहाँ पे केबल लेके स्ट्रेट केबल, अभी मैं इसको, आप गलती से इसमें भी लगा दोगे तो फिर भी नहीं चलेगा, आपको इसमें लगाना इंटरनेट वाले पोर्ट में, और दैट ओके। ठीक है, अभी ऑरेंज हो गया, देन विल बी ग्रीन हो जाएगा ये। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ पहले मैं बताऊँ, उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं ना FA0 और ये, तो एक सवाल है आप सभी से कि ये जो हमारा ये जो आप ये जो लैन पोर्ट है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, आप ये जो देख रहे हैं दिस इज अ लैन पोर्ट, ठीक है, ये अर्पिता आप बताइए कि एक लैपटॉप कंप्यूटर में कितने आपने देखे हैं और कितने हो सकते हैं, अंदाजा कुछ अंदाज लगा सकते हैं, सभी लोग बताएं मैसेज के द्वारा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लैपटॉप में एक होता है, सार्थक ने बोला, शताब्दी ने बोला, ठीक है भाई, देखा आप लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक तो होता ही होता है, नो डाउट, ठीक है ना दानिश जी। ओके, किसके में दो है भाई, किसके में दो है? सार्थक आप में दो है, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सर। एक मेरे में एक्स्ट्रा है, ग्राफिक कार्ड के साथ दिया है मेरे में, मतलब मदरबोर्ड के साथ तो है ही, बट एक ग्राफिक कार्ड मैंने अलग से लगवाया, उसमें एक और एक्स्ट्रा है, वो डेस्कटॉप का है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपने लगाया, चलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने आए एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। बाय डिफॉल्ट हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक तो होता ही है, उसको हम लोग बोलते हैं FA0, पास इथरनेट जीरो और इथरनेट, हम नॉमिनेचर बता रहे हैं, FA0 का मतलब बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी सार्थक बता रहे हैं कि क्योंकि कई बार हमें एक एडिशनल खर्चा खरीद के लगा सकते हो, अब जब एक्स्ट्रा खरीद के लगाओगे तो दूसरा नाम लेते होता है FA1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके जो पोर्ट में लगा होता वो आपका एक ही होता है कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप में, अगर आपने कोई एडिशनल लगाओगे तो उसे FA1 कहेंगे। ठीक है ना, तो आप सार्थक आपने कहा कि आपके पास दो है, जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ आया वो उसका नाम लेचर FA0 है, और जो आपने नया लगाया उसका नाम लेचर FA1 होगा। इसके अलावा आप और कोई लगाओगे तो वो चीज़, उसका हम बाद में बात करेंगे कैसे करते हैं, लेकिन दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, FA0 एंड FA1, और कहाँ मिलेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में, सीधी सी बात है, या और इनमें नाम लेचर होगा एक। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमारे स्विच होते हैं, डीलिंग स्विच दिखा देते हैं, डीलिंग स्विच में आप देखेंगे इस तरह का हो सकता है, जैसे इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस स्विच में, सॉरी मैं पहले शेयर करूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो आपका है डीलिंग स्विच में आपका एक रो वाला में हो सकता है, ठीक है, दो रो का हो सकता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं बाय डिफॉल्ट कि आपकी सिंगल रो हो, ठीक है ना, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि डबल रो वाले हों।
ठीक है ना, सिंगल रो भी हो सकता है, डबल रो भी हो सकता है, ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने डी लाइन पिच में देखा, ठीक है। तो इस केस में ये अगर सिंगल रो है, ठीक है, तो इसके ये पहले इसमें जो नॉमिनेटर होगा, मान लो आपने केबल लिया और हमने यहाँ लगा दिया इस वाले पोर्ट में, तो इसका जो ये सिंगल रो है तो उसका नॉमिनेटर तो हो गया जीरो, ठीक है, और इस पोर्ट का नॉमिनेटर होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जितने भी हो सकते हैं। तो इसका जो नॉमिनेटर आएगा एफ ए फास्ट इथरनेट जीरो, यानी पहले ये वाला कौन से रो का है, सिंगल रो तो बाई डिफॉल्ट जीरो, और किस में केबल केबल लगाया आपने, दिस इज द जीरो टू, ठीक है ना। अगर मैं इसमें लगाऊं तो एफ ए जीरो वन हो जाएगा। उसी तरह से अगर दो रो है तो ऊपर वाले रो को हम जीरो कह देते हैं और नीचे वाले रो को हम वन बोलते हैं, और बाकी पोर्ट का नंबर उसी तरह से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव होता है। नीचे वाले पोर्ट का भी नाम लेचर इसी तरह होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव होगा। इस केस में अगर मैं केवल मान लो जीरो टू पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ नीचे वाले में, तो उस केस में नॉम लेचर होगा एफ ए, पहले कौन से रो में लगाया, वन में लगाया ऑब्लिक, कौन से पोर्ट में लगा, दिस इज अ टू, ठीक है ना। तो आप लोग लिख के बताएं जरा सा, अगर मैं इस वाले में लगाऊं, इस ऊपर वाले के चार नंबर में लगा दूं, तो कृपया लिख के बताएं ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने जो लिखा है सही लिखा है, समझ पा रहे मेरी बात या नहीं। ठीक है, अर्पिता ने तुरंत जवाब दे दिया है, बाकी ओके, इसका मतलब आप लोग हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरा चीज़ हो सकता है एक रैक वाइज, रैक वाइज का मतलब फॉर एग्जांपल, इसको भी हम पहले एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ कुछ इस तरह के डिवाइस हो सकते हैं, जैसे सिस्को का हम 760 जो मेरे यहाँ राउटर लगा है, मैं उसी की बात कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, रैक वाइज हो सकती है, दैट इज ऐसे रैक हो जाए। वन मिनट, ओके, मैं ये कह रहा था कि ये देखिए, अब अगर आपका जो रैक वाइज हो जाए, देखिए इसमें रैक दोनों तरीके से पॉसिबल है, जैसे कि वर्टिकल अभी आप देख पा रहे हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो इस केस में जो नॉमिनेचर होगा आपका कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। रैक ऐसे हो सकता है, इस तरह से वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे आपका जैसे अभी आप देख पा रहे थे, इस तरह से हो सकता है। दूसरा रैक आपका इस तरह से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये रैक जब आपका स्लॉट हो, पूरी रैक वाइज हो, उस केस में कैसे होगा, मान लो मैं इसी का एग्जांपल समझा देता हूँ। और मान लो पहले ही है तो इसमें अगर इस तरह से स्विच लगे हो, ठीक है, और उस टाइम पे अगर आप केबल यहाँ से, इसमें क्या होगा, जो पहले इसको बोलेंगे स्लॉट, टेप जीरो स्लॉट नॉमिनेचर होता है इसका, टू वन टू थ्री, उसके बाद ये जो रो है जैसे अभी स्विच का आप देख पा रहे थे, तो ऊपर वाले को हम जीरो बोलेंगे और नीचे वाले को हम वन बोलेंगे, और जो पोर्ट होगा उनका नॉमिनेचर जीरो वन टू थ्री होगा। तो अगर मान लो हमने केबल यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो इस केस में जो नॉमिनेचर होगा एफ ए फास्ट इथरनेट, कौन से स्लॉट नंबर में है पहले ये लिखा जाएगा, फिर कौन से रो में है, ऊपर वाले रो में ही लगा जीरो, और कौन से पोर्ट नंबर पे, दो नंबर पे लगा, तो जीरो बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जो नॉमिनेचर होता है वो इसी तरह से होता है आपका, बिल्कुल क्या कहते हैं कि एफ ए जीरो, और आपका जो दूसरा है आपका वन जीरो बाई जीरो वन या इस तरह का, और या तीन सीरीज में, तो ये पूरी नॉमिनेचर है। तो यहाँ पे जो नॉमिनेचर दिया हुआ है, जो हम लोग अभी इसमें अपने प्रैक्टिकल में कर रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है, तो ये जो नॉमिनेचर है, देखिए लैपटॉप या कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं जीरो क्यों लिखे, आप समझ गए। अगर आपने दो पोर्ट लगा देंगे, कई जगह दो पोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा कब होता है, जब हम सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है ना, उस केस में आपको दो पोर्ट हो सकते हैं आपके, ठीक है। वो आपका ये है, जैसे कि आपने एक वीडियो दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ, ये आपने अगर वीडियो देखा था तो इसमें देखो, इसमें दो लगे हुए हैं, ये हमने जब यूज़ किया था तो इसमें एक पोर्ट यहाँ पे लगेगा, तो जिसमें लगेगा तो हमने लगा रखा एफ ए जीरो में, और इसी को अगर कंप्यूटर से मैंने दूसरा पोर्ट निकाल के ले गए, ये हमारा जीरो वन हो गया, एफ ए वन हो गया, ठीक है। तो कई जगह दो की ज़रूरत होती है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने अपने कैंपस में किया हुआ है, ठीक है। तो बाई डिफ़ॉल्ट आप यूजर हैं, एक नॉर्मल कस्टमर तो क्या करता, सीधा इंटरनेट करता है, वो एज ए सर्वर तो यूज नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, सीधा इनसे आउट कर लेगा, सीधा बाहर आया और सीधा इंटरनेट करने लगा। अब हम यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो पोर्ट है एफ ए जीरो वन, अब हम आईपी एड्रेस देंगे, जब तक आईपी एड्रेस नहीं देंगे इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो आईपी एड्रेस कहाँ दिया जाता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है।
तो कंप्यूटर में आप कहीं भी इंटरनेट कर रहे हो, वाईफाई में कहीं भी इंटरनेट कर रहे हो, तो किस हिस्से में इंटरनेट देते हैं, आईपी देते हो? आप मान लो लैन केबल लगाया कंप्यूटर में, तो ये जो जीरो पोर्ट है F0, इसको आईपी दिया जाता है। जो मैक आईडी आपको दिखाई देती है वो इस पोर्ट का आईपी होता है जहां से आप केबल लगा रहे हो। तो उसी तरह से ये आपका इसमें F01 पे आप देख, जो ये आपका ये है जो हमारा राउटर का पोर्ट है F01, वहां पे हम उसको आईपी देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आईपी के अभी देखें, अगर माउस ले जाएं तो आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन खुला है। मान लो मैंने PC0 पे ले गया, तो यहाँ पे जो फास्ट इथरनेट है अभी दिखा रहा है, लिंक अप है, आईपी नॉट सेट है, गेटवे नॉट सेट है। तो इनको अभी फिलहाल हम मैनुअली आईपी दे रहे हैं, ऑटोमेटिक आईपी का सेशन नेक्स्ट में ऐड करेंगे। अभी मैं क्लिक करता हूँ, आप भी क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जाएं। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आईपी देंगे। तो यहाँ पे जो आईपी देंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, गेटवे एक चीज और है, गेटवे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेटवे क्या होता है, जैसे मेरा एक कंप्यूटर है PC0 और ये इधर मान लीजिए PC1 दूसरे साइड का कंप्यूटर है। ठीक है ना, अगर मैं इस कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह का रिक्वेस्ट मैसेज, कोई भी डाटा कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस PC से इस PC में, तो ये PC में इस PC तक कैसे पहुँचेगा? अब आपको नेटवर्क का थोड़ा आइडिया हो गया है तो आप समझ पाएंगे कि PC से जाएगा पहले, इस PC से हम कोई भी चीज़ भेजेंगे कंप्यूटर से निकलेगा सबसे पहले यहाँ स्विच में जाएगा, फिर उसके बाद आपका राउटर में जाएगा, फिर इस राउटर से दूसरे राउटर जहाँ भी पहुँचना वहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इस PC में एंट्री करेगा। ठीक है, तो एक PC से दूसरे PC में जाएगा, और चाहे कोई भी लैपटॉप से करेंगे तो भी यहीं से जाएगा, इस लैपटॉप से करेंगे तो भी यहीं से जाएगा, अगर वाईफाई से जुड़े हैं तो भी ये घूमते फिरते इसी पोर्ट से जाएगा। तो ये वाला जो पोर्ट है राउटर का, ये जो पोर्ट है जिससे हम बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आप कहाँ से आते बाहर जाते हो, जहाँ से आपकी एंट्री बनी होती है, तो जिस गेट से अंदर आ रहे हो जा रहे हो वही गेटवे कहलाता है। गेटवे इज नथिंग, गेटवे का मतलब जहाँ से अंदर आना और जाना। तो यहाँ जितने भी कंप्यूटर्स हैं PC0 लैपटॉप मोबाइल फोन सबका ये जो पोर्ट है वो गेटवे कहलाएगा, दिस इज द गेटवे। ठीक है ना, तो इसके बाद मेरे पास में अब हम गेटवे, हम ऐसा करते हैं FA0/1 ये जो पोर्ट है राउटर का, उस पोर्ट को FA0/1 इसको मैं एक आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ 10.10.2, क्योंकि नेटवर्क आईडी है उन्हीं में से एक आईपी लेना पड़ेगा, 1 को मैं सेट कर देता हूँ, दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर द दिस पोर्ट। तो नाउ क्लिक ऑन द दिस कंप्यूटर आईपी एड्रेस 192.10.10.1 को मैं गेटवे रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, सबनेट /24 किया है, तो आपको मालूम है जब भी आईपी एड्रेस लिखोगे सबनेट लिखना अनिवार्य है, 24 है, 255.255.255, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 bit 1, जिसकी वैल्यू हर एक ऑक्टेव का वैल्यू 255.255.255 होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। गेटवे, अब आपको गेटवे समझ में आ गया कि वह लोकेशन जहां से हम लोग बाहर निकलेंगे, 10.10.10.1 दिस इज द गेटवे। ठीक है, लोग बंद कर दीजिए। इसी तरह से इस लैपटॉप में भी डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं कंप्यूटर में 10.10.10. यहाँ पे हमने 1 ऑलरेडी गेटवे को बनाया है, 2 हम कर रहे हैं उस कंप्यूटर को, तो अब हमारे पास 3 से लेके 254 बज गया, तो कोई भी डाल सकते हो, मैं 3 डाल देता हूँ। ठीक है ना, 10.10.10.1 दिस इज द गेटवे। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर लैपटॉप होगा। अब इसे से इधर भी जो हमारा नेटवर्क 2 है इस कंप्यूटर में भी हम आईपी अगर डालना चाहें तो इसके लिए गेटवे क्या होगा, ये वाला पोर्ट होगा। तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे 21 गेटवे रखा, तो इस वाले BSNL ISP का भी गेटवे अगर हम बनाना चाहें तो 10.10.20.1 हम प्लान कर लेते हैं। ये आपके हाथ में है पूरा तरह गेटवे क्या रखना है, और प्लानिंग फर्स्ट टाइम जैसा चाहो वैसे कर लो। LTTC में हमने गेटवे 10.10.1.30 रखा, अगर हम आप में LTTC के कंप्यूटर के बारे में बात करें, अभी आप देख लीजिए तो मैंने इसमें मैनुअली आईपी डाला होगा, तो डेफिनेटली जो मेरा गेटवे होगा 10.10. चेंज इट ऑफ द सेटिंग, देखिए प्रॉपर्टीज में जाते हुए ये मेरे लिए, यहाँ पे जो हमारा गेटवे हमने अपने LTTC के अंदर जितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उनके अंदर गेटवे आपका 10.10.1.30 है। ठीक है ना, तो हम इस पर और भी एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी हम लोग फिर आते हैं वापस। यस,
तो यहाँ पे जो गेटवे होगा इसमें भी आप यहाँ पे क्लिक करिए और इसको आईपी दीजिए 10.10.20.2 को आईपी कर देते हैं, सबनेट स्लैश 24 रखा है तो 255 जो भी आपने प्लानिंग किया है वो रखना है आपको, ठीक है ना। दिस इज द गेटवे, अभी मैंने आईपी दे दिया, ये तो हमारा आईपी था कंप्यूटर में देना, आपके सामने कैसे देते हैं आपने उस चीज को देख लिया। अब हमें राउटर के अंदर इस चीज को आईपी देना है, तो राउटर के अंदर हम कैसे आईपी देंगे अब हमें ये चीज सीखनी है। तो यहाँ तक अगर हो गया प्लीज इन्फॉर्म मी, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछो प्लीज। यस आगे बढ़े दानिश जी। यस ओके, अब हमें इस लैपटॉप से इस कंप्यूटर को आईपी देना है, अब हम सीखेंगे आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो रियली में जब फर्स्ट टाइम हम कनेक्ट होते हैं लैपटॉप से कोई भी राउटर, तो ये हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा जो होता है, अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें आपके पास में आपका जो ऑप्शंस आते हैं वो होते हैं आपके पुट्टी, पुट्टी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर लैपटॉप में होते हैं। अगर आपके नहीं हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुरंत गूगल पे जाओ और डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। ये वो लोकेशन है, अगर मैं लैपटॉप से किसी भी कंप्यूटर डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, सिर्फ कंप्यूटर नहीं कोई भी स्मार्ट डिवाइस जिसे मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं और कंसोल केबल के माध्यम से जोड़ रखा है, तो कैसे करना है पुट्टी के माध्यम से एक ऑप्शन होता है। अगर आपके पास में एप्पल मैक का कंप्यूटर है या फिर लिनक्स का कंप्यूटर है तो टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। और एक बार जब चालू हो जाए, अब जैसे मैं ये पूरा अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अभी मेरा पास चालू हो जाए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने राउटर या कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर सको। उसके लिए एक होता है आपका टेलनेट, ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है ये एप्पल मैक का सॉफ्टवेयर यूज करता है, ठीक है। तो ये जो लैपटॉप होगा एप्पल मैक का होगा, तो इसमें मुझे क्या ढूंढना है टर्मिनल, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और डेस्कटॉप पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं टर्मिनल ऑप्शन, ये टर्मिनल ऑप्शन है आपके सामने, इसको मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लैपटॉप ऑटोमेटिकली राउटर को जो भी राउटर लगाओगे उससे सेंस करके ये डाटा अपने आप फिलअप कर लेता है, आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अपने आप, अगर यहाँ पर दूसरा राउटर बदलोगे तो इसका बिट रेट अपने आप चेंज हो जाएगा सारी की, तो ये आपको भरना नहीं सिर्फ ओके करना है। अदरवाइज आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा और हाईली डिपार्सिट करिए कि चेंज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सेंसेबल होता है, यू कैन डू इट ओके। तो ये स्क्रीन आपकी इस तरह से खुल के आ जाएगी जैसे मेरे पास में आ गया। अब चूंकि हमने क्या किया, लैपटॉप के माध्यम से हमने इसके अंदर एंट्री कर गए। यहाँ सिमुलेटर है तो एक फैसिलिटीज और दी जाती है सिमुलेटर में कि आपको यहाँ पे बार बार लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है। वी डायरेक्टली क्लिक ऑन द स्विच एज राउटर एंड गो टू द CLI, अब CLI पे चले जाए तो JPIT नोएडा का राउटर है, मैंने डायरेक्टली क्लिक किया वहाँ भी जा सकते हैं। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो मैंने एंट्री करी है ये राउटर को क्लिक करके मैं पहुँच गया, और ये मैंने किया है लैपटॉप को खोलते हुए राउटर के। तो रियल वर्ल्ड में हम लैपटॉप के माध्यम से ही हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसी चीजें आ गई हैं। अब ये एक पहला सवाल अगर ये पूछ रहा है, हो सकता है कि ना पूछे आप लोगों में, इंटर बटन दबा के आप नीचे जरूर आ जाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो इंटर पे ब्लैंक नहीं आना चाहिए। अगर ब्लैंक तभी आएगा अगर आपने केबल गलत लगाया है, किसी का ब्लैंक आ रहा हो तो मुझे बता दे, उसका केबल ठीक करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप यस या नो पूछ रहा है, तो यस या नो का मतलब क्या है भी आप समझ लीजिए। आपको सर्वर विजिट में एक हमने राउटर दिखाया था, हमने ये दिखाया था कि हर चीज दो रखी जाती है, एक राउटर दो राउटर, टू राउटर होता है, अगर आपने लैब विजिट का वो देखा होगा वीडियो। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम में एक राउटर हमारा आइडल मोड में होता है, दूसरा राउटर काम कर रहा होता है। राउटर के अंदर भी डबल होता है लेकिन राउटर भी दो रखते हैं, क्योंकि राउटर फेल, अगर ये राउटर फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हुआ, तो इसलिए मुझे राउटर को फेल नहीं कराना है। अगर उस समय अगर एक राउटर फेल होगा तो दूसरा राउटर के अंदर सारा चीज मैं तैयार करके रखूंगा, और जैसे अगर पहला फेल होगा तो सिर्फ केबल जो आया होता है बाहर से उठा के हम दूसरे वाले राउटर में लगा देते हैं और राउटर को ऑन करते हैं। जब राउटर को ऑन करते हैं तो यही सवाल पूछता है यस या नो, तो इसका मतलब ये है कि वो पूछता है क्या आपने, जो प्रैक्टिकल मीनिंग है मैं बता रहा हूँ, क्या आप पुराने कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स वही रखना चाहते हैं या नया करना चाहते हैं।
ठीक है, तो डेफिनेटली जब रियल में तो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं तो वहाँ पे तो हम यस लिख देते हैं कि हाँ भाई पुराना करना, वरना एक राउटर को कॉन्फ़िगर करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हम सब लोग नया कर रहे हैं, फ्रेश बना रहा हूँ, मैंने आपके सामने लिखा, तो यहाँ तो नो लिखना है। यहाँ पे भी आप यस लिख दोगे तो थोड़ी देर सिस्टम हैंग हो जाएगा, राउटर कहेगा कि मुझसे, क्योंकि राउटर ऑलरेडी मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, और चूंकि मैं दे रहा हूँ तो वो मानता है कि मेरा बॉस है, एक इंसान दे रहा है, तो उसने कहा है कि कॉन्फ़िगर होगा, थोड़े समय के लिए वो हैंग हो जाता है आपका, ठीक है। तो उस हैंग से बचने के लिए आप नो लिखें, और जैसे मैं इधर नो लिखूंगा, देखो जो चीज़ मैंने यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ यहाँ भी आ रही है, तो बाया लैपटॉप से करूँ या करूँ, तो अब इसीलिए आपको अब कंसोल केबल का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसोल केबल ओनली इन द रियल टाइम में, कि हमारा जो क्योंकि हमारे एक राउटर का कोई कीबोर्ड मॉनिटर नहीं होता, तो उसकी मदद से हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस वाले को यूज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखे पहला ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, इसका मतलब होता है यूजर मोड। काम करते हैं, लिख देते हैं बताओ बिना देर के, दो मिनट का और काम है। आर आ गया और ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है यूजर मोड, दिस इज द यूजर मोड। यूजर मोड का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कुछ भी खरीद लें, और उसके ऊपर आपने खरीदा, मान लो आपने खरीदा था लैपटॉप सोनी का, और आपने उस पर लेबल चिपका दिया एप्पल का, तो भैया लेबल चिपकाने से एप्पल तो नहीं बनेगा ना, तो या आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर डब्बे पे कुछ भी लिखा हो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो। कैसे चेक करते हो, उसके जैसे मैं मेरे अपने इस कंप्यूटर के बारे में बात कर लें, तो मैं अपने कंप्यूटर में क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा कार्ड लगा है, कितना रैम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने कंप्यूटर में माय पीसी में जाता हूँ, उसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, एक तरीका तो ये होता है फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ कमांड में फायर कर दें, मैं आपको नहीं कर याद करो, कमांड फायर कर लें तो हमें मिल जाता है कि वास्तव में मेरे कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगर कौन है, आप विंडोज कितना है, रैम कितना है, वो सारी चीज़ें बता देता है। ये दो चीज़ें आपका बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर के अंदर जब यूजर मोड में, राउटर का जो यूजर मोड होता है इसमें मैं कुछ कमांड डालूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो कौन सा मॉडल, जैसे हमने राउटर लिया 2811, इसका रैम कितना है, इसका हार्ड डिस्क कितना है, वो सारे चीज़ इसके द्वारा हमें मिल जाता है। अगर मैं इसमें एक कमांड फायर करूँ इनेबल, ENABLE, ठीक है, अगर ये मैं कमांड फायर कर देता हूँ तो फिर आप देखना प्रिविलेज मोड में आ जाएगा, ये हैश मोड में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का मतलब ये होता है जैसे कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, जब खरीदा था तो बहुत सारी चीजें आपके लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फोन में नहीं होता, जैसे एग्जांपल मैं इसको सॉफ्टवेयर का पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेता हूँ, जब आपने खरीदा था तो उसमें नहीं था, लेकिन आज आपको जरूरत पड़ी तो आपने इंस्टॉल कर दिया। तो उसी तरह जब इंसान खरीदता है और समय के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने क्या नया ऐड किया, क्या चीज़ नया किया, जैसे अपने मोबाइल में भी कई बार कहते हैं रिस्टोर फैक्ट्री कर लो, रिस्टोर फैक्ट्री का मतलब जब खरीदा था उस स्थिति में पहुंच जाओ, ठीक है। और समय के साथ हम लोग इसमें अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं। तो आपने जब खरीदा था और बाद में क्या ऐड किया था वो आप प्रिविलेज मोड में कॉन्फ़िगर करके कुछ कमांड फायर करोगे तो प्रिविलेज मोड में आपको मिल जाएगा। अपने कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर में ऐड रिमूव प्रोग्राम या फिर कमांड प्रोमांड में जाके बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कमांड फायर अगर इसमें करें कॉन्फ़िगर टर्म, ये काम करते प्रैक्टिकली डायरेक्ट करता हूँ तो आपको वहाँ भी दोनों टाइम बचेंगे। देखिए मैं अगर ये यूजर मोड में है तो यहाँ कोई करना नहीं है क्योंकि यूजर मोड में कुछ कमांड्स होते हैं। कमांड क्या होते हैं, खाली क्वेश्चन मार्क डाल लो, क्वेश्चन मतलब हेल्प, मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाला तो ऑटोमेटिकली आ गया कि ये सारे कमांड डाल के फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेस रूट कर सकते हो, टर्मिनल डाल सकते हो, टेलनेट पारी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा EN। एक चीज़ और बताऊँगा, ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS का है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, टर्मिनल वाला कन्फ्यूजन होएगा, एक ही रखते हैं, ठीक है। इसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है इनेबल, यहाँ पे अगर मैं इतना जो तीनों मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज लिनक्स और iOS, सबसे मोस्ट पावरफुल और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया वो एप्पल वाले का माना गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इतना पावरफुल है, अगर मैं EN लिखूं और टैब बटन यूज करूं, कीबोर्ड का मैं टैब बटन यूज करूं, ये पूरी कमांड टाइप कर देता है, आपने देखा ना, आप या तो पूरा याद हो तो लिखो या फिर लिख दो, अगर मैं केवल पूरा टाइप ना करूं केवल EN लिख के एंटर भी दबा दूं तो भी ये समझ जाता है कि आपने इनेबल टाइप किया। जैसे मैंने एंटर किया
ठीक है, आपके सामने दो चार इंटर कोई भी दबा सकते हो। इंटर ये मत सोचना कि चार बार दबाना है, पांच बार दबाना है, जितनी इच्छा उतनी बार दबाओ, मत एक ही बार दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रिविलेज मोड में आ गया। अब मैं क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस पोर्ट को आईपी देने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है, इस पोर्ट को हम लोग आईपी देने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन टैब बटन यूज कर रहा हूँ, तो पूरा नाम आ गया कॉन्फ़िगर और टी टैब बटन यूज कर रहा हूँ। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर आप सीधा ये टाइप कर सकते थे अगर आपको याद है, या फिर या आपने टाइप करो टैब बटन यूज करो तो कमांड अपने आप पूरी लिखी आ सकती है। और एक काम ये भी कर सकते हो, अगर आप केवल इतना भी लिखोगे ना कॉन्फ स्पेस टी लिखोगे तो भी ये समझ जाता है कि आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा। अब आप ये आपके सामने आ गया, अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। राउटर के अंदर आप किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अगर राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे पहुंचा जाता है वो मैंने आपको अभी बता दिया, बाया लैपटॉप के माध्यम से, क्योंकि सिमुलेटर तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूं। अभी आज का जो काम है, सबसे पहले इस पोर्ट पे, ये पोर्ट क्या है FA0/1, ये पोर्ट क्या है FA0/0। अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि फास्ट इथरनेट 0/1 हो या 0/0 हो, आईपी एड्रेस नॉट सेट, लिंक डाउन है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अभी आपको प्रैक्टिस में करा देता हूँ। INT इंटरफेस के लिए सिंपली INT या फिर 0/1 ये भी लिख सकते हो, या पूरा कमांड देखना चाहते हो तो INT लिखो, टैब बटन यूज करो, या फिर लिखो टैब बटन यूज करो, और 0/1 ID, 0/1 का मतलब इस पोर्ट पे एंटर। अब सॉफ्टवेयर मोड में आप लैपटॉप से घुसते हुए रियलिटी में आपके खड़े हो गए। अब इसको क्या करना है, आईपी एड्रेस देना है। हमने क्या प्लानिंग किया आईपी एड्रेस देने के लिए, 0। राउटर में आईपी एड्रेस इसी तरह से दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें लिखोगे IP@10.10.10.1, सबनेट के साथ, बिना सबनेट का आईपी कंप्लीट नहीं माना जाता। अब हमने यहाँ पे आईपी इंटरप्रेस कर दिया, मैंने कोई गलती नहीं की तो किसी भी तरह का वार्निंग मैसेज नहीं आया। अब मैं यहाँ पे माउस ले जाऊँ तो आप देख पाओगे कि फास्ट इथरनेट 0 का 10.10.10.1/24